आज हम एग करी बनाने का तरीका देख रहे हैं कि एग करी को किस तरह से हम घर पे बनाएं। इसके लिए कटा हुआ प्याज और टमाटर बारीक कटा हुआ, ग्रीन चिली और यह है आपका लहसुन का पेस्ट, थोड़ा खड़ा मसाले, काली मिर्च 8-10 दाने, लौंग और एक चम्मच बेसन, उबले हुए अंडे और बाद में सजाने के लिए भुनी हुई मिर्च। एग को हम इस तरह से एग के अंदर किसी तीली से इसमें छेद बना देंगे, जिस वजह से कि ये आराम से इसके अंदर मसाला जाए। इसके आगे हम कढ़ाई ले रहे हैं। ये इस वजह से मैं इस रेसिपी को बना रहा हूँ क्योंकि ये रेसिपी जो है इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें बाहर से लेनी पड़े और आसानी से बैचलर्स भी इसको बना सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे इसके लिए हम लोग। कढ़ाई पे लिया हमने, कढ़ाई को साफ करके रख देता हूँ मैं, थोड़ा सा पानी है इसमें। मस्टर्ड ऑयल काफी गर्म करना है हमको, आप और ऑयल भी यूज कर सकते हैं किंतु मस्टर्ड ऑयल में आप तो अंडा करी का स्वाद कुछ अच्छा लगेगा, मेरा लगेगा। इसको देर तक उबालना है हमें, काफी तेज आंच में हमको ये मस्टर्ड ऑयल गर्म करना है। इसके बाद हम पॉज करते हैं, उठने लगा है, काफी सारी काफी तेज फ्लेम है, फ्लेम दिखाएं जरा नीचे। अब इसको ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है क्योंकि काफी तेज खुशबू आ रही है, मैं इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद इसका कारण यह है कि इसको जलना नहीं चाहिए, धीमी आंच में इनको फ्राई करना है। थोड़ा सा घुमा लें चारों तरफ, जिससे कि इनकी जो लेयर है वो खाते वक्त तो कठोर न लगे और जो हमने इसमें बीच में सुराख बनाए हुए हैं इनसे पूरी तरह से ऑयल में ही डीप फ्राई हो गए हैं। तो तैयार हो चुके हैं, पॉज कर दी। इसके बाद इसमें मैं खड़े मसाले डाल रहा हूँ, थोड़े काली मिर्च और लौंग है, एक दो इसमें तेज पात डालूंगा। थोड़ी सौंफ का टेस्ट अनोखा होता है, थोड़ा सौंफ ऐड करिए इसमें मैंने। प्याज ले लेंगे, प्याज को डीप ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूंगा।
ये 5 से 10 मिनट का समय ले लेगा प्याज फ्राई होने में। ब्राउन हो चुका है हमारा प्याज, मैं इसमें थोड़ा सा ये पहले इसमें मैंने हरी मिर्च भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और ये लहसुन गार्लिक का पेस्ट है, इसको डीप फ्राई करेंगे। थोड़ी गार्लिक को थोड़ा ग्रेवी टाइट होने के लिए हम इसमें बेसन को ऐड कर रहे हैं। तेज पत्ता मैंने यहाँ निकाल दिया था फ्राई होने के बाद, तेज पत्ते को बाहर रख लेंगे। देखिए बस थोड़ा सा काफी बेसन पूरी तरह से भुन जाए तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें हम लोग ये टमाटर हैं जिसको बारीक काटा गया है, अच्छा रहेगा कि आप इसको कट लें। आज को मैं सिम कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें मसाला ऐड करना है। ये देखिएगा नमक को हम अभी ऐड नहीं करेंगे, धनिया है ज्यादा, जो घर में आमतौर पर प्रयोग होने वाले मसाले ही मैं यूज कर रहा हूँ, मिर्च स्वाद अनुसार, और एक इस तरह से एक चम्मच हल्दी का, इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ दोबारा, अच्छी तरीके मिक्स हो जाने दीजिएगा। और जिस कलर में आपको ये ग्रेवी चाहिए थोड़ा थोड़ा सा उसका कलर आपको यहाँ पर आने लगा। टमाटर पूरी तरह से भुनने के बाद अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगा क्योंकि नमक ऐड करते ही टमाटर जो पानी है वो छोड़ देगा, मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। नमक ऐड करने के बाद इसमें स्वतः ही टमाटर पानी छोड़ देगा, तब तक मुझे ये घुमाना है। ग्रेवी आप देख सकते हैं, तीन से चार लोगों के लिए बन रही है। चलाते रहेंगे इसको हम थोड़ा सा, और उबलने के बाद जैसे ये उबलने लगे इसके ऊपर हम एग को दे देंगे। एग हमारे आ गए अच्छी तरह से, एग मिल जाए। थोड़ा पानी में और ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी देर
से सात मिनट का समय वहाँ ग्रेवी बनने का है। मुझे लगता है ये 10 मिनट होने को आए और ग्रेवी आपकी तैयार है। इस वीडियो को बनाने में ईशा चंद्रा ने मेरा सहयोग किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और अपने सारे YouTube दर्शकों का बड़ा आभारी हूँ कि आप लोग इसको शेयर करेंगे अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे। स्वाद में भी बेहद सुंदर है। नमस्कार।